DS3231 RTC का मॉड्यूल जब आप खरीदोगे तो वह ऐसा दिखेगा। यहाँ पर बैटरी का स्लॉट है और यह इस मॉड्यूल के साथ आने वाली बैटरी है CR2032। इसकी प्रिंटेड साइड इसकी पॉजिटिव है और पीछे का हिस्सा जिसमें एक काली रिंग सी दिखाई दे रही है यह इसकी नेगेटिव है। तो स्लॉट में बैटरी इंसर्ट करते समय प्रिंटेड हिस्सा ऊपर की ओर रखें और हल्का सा प्रेस करने पर बैटरी स्लॉट में चली जाएगी, फिक्स हो जाएगी। एक बार स्लॉट में फिक्स करने पर इस बैटरी को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका चार्जर सर्किट आपको डिसेबल करना हो यानी इसके रजिस्टर को डिसोल्डर करना हो तो बैटरी को बाहर निकाल कर कर सकें तो बेहतर होगा। इसे निकालने के लिए किसी प्लायर जैसी चीज़ का इस्तेमाल करें। इसे यहाँ पर प्रेस करके फिर प्लायर से बैटरी को बाहर की ओर धकेल कर इसे निकालने की कोशिश करें। इस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए इसे बैटरी इंसर्ट किए बिना भी आर्डिनो से कनेक्ट करके इसे टेस्ट आप कर सकते हैं। जब तक उसे आर्डिनो से सप्लाई मिलता रहेगा तब तक यह चलता रहेगा। फिर इसके बाद आप उसे बैटरी इंसर्ट करके भी टेस्ट कर सकते हो। तो इन मॉड्यूल्स में आपको चार्जिंग सर्किट दिखाई देता है। यहाँ पर एक डायोड और एक रजिस्टर है। इस मॉड्यूल से मैंने सोल्डरिंग गन का इस्तेमाल करके रजिस्टर को हटा दिया है। यह एक सरफेस माउंटेड कंपोनेंट है इसलिए उसे हटाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आपने इसका चार्जिंग सर्किट डिसेबल कर दिया फिर उसके बाद जब तक उसमें यह बैटरी चलेगी तब तक यह RTC सही तारीख और समय की गणना करता रहेगा। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह बैटरी लगभग 2 साल तक चल सकती है। इस मॉड्यूल में बैटरी इंसर्ट करने के बाद किसी नई घड़ी की तरह आपको इसमें करंट टाइम और डेट सेट करना पड़ता है। तो इसका टाइम सेट करने के लिए हम इसकी 4 पिनों का इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड, VCC, SDA और SCL। SDA यानि सीरियल डेटा और SCL यानि सीरियल क्लॉक। बाकी 2 पिनों की हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है। इस मॉड्यूल में लगी हुई लंबी पिनों का इस्तेमाल करके हम इसे ब्रेडबोर्ड पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब ब्रेडबोर्ड पर वायर्स को जोड़कर हम इसे आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के दूसरे छोर पर भी इन 4 पिनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग स्लॉट्स दिए गए हैं। इस मॉड्यूल को आर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए हम आर्डिनो के पिन नंबर A4 और A5 का इस्तेमाल करेंगे। A4 से जुड़ी हुई वायर SDA को जाएगी और A5 से जुड़ी हुई वायर SCL से कनेक्ट होगी। आर्डिनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड के पिनों से वायर कनेक्ट करके उसे मॉड्यूल के VCC और ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा ग्राउंड का वायर, ये रही VCC की वायर, ये रही SDA की वायर और यह SCL की वायर। अब हम आर्डिनो को कंप्यूटर के USB पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें आर्डिनो में और RTC मॉड्यूल में LED जलती हुई दिखाई देगी। अब हम इसका टाइम सेट करने के लिए एक प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। हम इसके लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए पहले आपको अपने कंप्यूटर पर आर्डिनो की लेटेस्ट ID इंस्टॉल या अपडेट करना ज़रूरी होगा। आर्डिनो का सॉफ्टवेयर जब आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हो तब डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर आर्डिनो नाम का फोल्डर बनता है। और इस फोल्डर में लाइब्रेरीज नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा। लाइब्रेरीज फोल्डर के अंदर आपको आपने जो भी
लाइब्रेरीज इंस्टॉल की होंगी वे दिखाई देंगी। यहाँ पर DS3231 नाम की एक फोल्डर दिखाई दे रही है। हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं वह rinkydinkelectronics.com इस वेबसाइट पर मिलेगी। इस वेबसाइट पर लाइब्रेरीज के लिंक पर क्लिक करें। इसमें कैटेगरीज में आर्डिनो सेलेक्ट करें। अब इस लिस्ट में DS3231 पर क्लिक करें। अब लाइब्रेरी DS3231 यह पेज ओपन होगा। इस पेज के निचले हिस्से में आपको ds3231.zip नाम की फाइल का लिंक दिखाई देगा। इस फाइल को कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होने के बाद आप उसे अनकॉम्प्रेस कर लें तो आपको ds3231 नाम का फोल्डर दिखाई देगा। अब हमें इस लाइब्रेरी को आर्डुइनो के IDE में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसे हम दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स आर्डुइनो लाइब्रेरीज इस फोल्डर को ओपन कर लें और इस फोल्डर में DS3231 फोल्डर को पेस्ट कर लें। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें कि आपके लाइब्रेरीज के फोल्डर में किसी और ऑथर की लिखी हुई DS3231 लाइब्रेरी मौजूद ना हो। अगर ऐसा हो तो पहले वाली DS3231 फोल्डर को या तो डिलीट कर दें या फिर रीनेम कर दें। यानी कि एक ही नाम के दो फोल्डर अगर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हों तो ये आर्डुइनो के लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है। अब इसके बाद आर्डुइनो की ID रिस्टार्ट करेंगे तो यह लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका देखेंगे। आर्डुइनो की ID ओपन करें। इसमें स्केच और इंक्लूड लाइब्रेरी पर क्लिक करें। अब ऐड ज़िप लाइब्रेरी पर क्लिक करें। अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां से आप डाउनलोड किए हुए ds3231.zip फाइल को सेलेक्ट कर लें और फिर ओपन पर क्लिक करें। तब यह लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। लाइब्रेरी इंस्टॉल होने पर मेनू में फाइल और एग्जांपल्स पर क्लिक करने पर सबसे नीचे की ओर आपको DS3231 दिखाई देगा। अब एग्जांपल प्रोग्राम ओपन करने के लिए DS3231 और आर्डुइनो और DS3231 सीरियल इजी इस नाम पर क्लिक करें तो RTC मॉड्यूल का टाइम सेट करने के लिए हम इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोग्राम में हमें करंट डेट और टाइम मैन्युअली सेट करना पड़ता है। डेट और टाइम सेट करने वाला कोड हमें इस जगह पर दिखाई देता है। हमें पहले इन तीन लाइनों को अनकमेंट करना पड़ेगा। अब मैं इसमें आज का दिन टाइप करता हूं। अब मैं इसमें प्रेजेंट टाइम टाइप करता हूं। हमें इसमें 24 आवर्स फॉर्मेट में टाइम लिखना पड़ेगा। इसमें टाइम सेट करते समय कुछ सेकंड आगे का टाइम टाइप करें ताकि जब तक आप इस प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल और अपलोड करेंगे तब तक वह टाइम करंट टाइम से मैच हो। अब मैं इसमें आज की तारीख टाइप करता हूं। इस प्रोग्राम को कंपाइल और अपलोड होने में मुझे लगभग 15 से 20 सेकंड का समय लगा। तो आप एक दो बार ट्राई करके देख लें तब आपको सेट किया हुआ टाइम और करंट टाइम के डिफरेंस से पता चल जाएगा। प्रोग्राम अपलोड होने के बाद आप सीरियल मॉनिटर ओपन करके प्रोग्राम का आउटपुट यानी RTC का टाइम देख सकते हैं और उसे कंप्यूटर के टाइम से कंपेयर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में 115200 बॉड रेट का इस्तेमाल किया गया है। तो जब आप सीरियल मॉनिटर ओपन करोगे तो वहाँ पर भी इसी बॉड रेट को आपको सेलेक्ट करना होगा ताकि
आपके सीरियल मॉनिटर में आउटपुट दिख सके। दो तीन बार कोशिश करने पर आप एक या दो सेकेंड की एक्यूरेसी के साथ टाइम सेट कर पाएंगे, जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए पर्याप्त है। एक बार सही समय सेट हो जाने पर प्रोग्राम में इन तीन लाइनों को दोबारा कमेंट आउट कर लें और प्रोग्राम को फिर से अपलोड कर लें। ऐसा ना करने पर अगर आपने टेस्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को दोबारा चलाया तो बार बार आपने प्रोग्राम में लिखा हुआ टाइम आरटीसी में सेट होता रहेगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए एक बार टाइम सेट हो जाने के बाद कोड को कमेंट आउट कर लें और फिर अपलोड कर लें। एक बार टाइम सेट हो जाने पर यह आरटीसी जब तक उसमें बैटरी है या जब तक बैटरी चल रही है तब तक समय का हिसाब रखेगा, और आर्डिनो जैसे माइक्रो कंट्रोलर इसे समय प्राप्त कर सकेंगे। आर्डिनो माइक्रो प्रोसेसर इस रियल टाइम क्लॉक से जो समय जानता है वह I2C प्रोटोकॉल के तहत जानता है, यानी कि इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन। अब इसके बाद हम रिले को इस सर्किट में किस तरह से जोड़ा जाए और उसके लिए किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाए यह अगले वीडियो में देखेंगे।